जब बिन वर्षा पैदा ना होगा अनाज तो बच्चों को कोयला खिलाओगे क्या। उस टाइम हसदेव ने चेतावनी दी थी पर किसी से सुना नहीं, तो इस बार फिर से उसकी आवाज को रखा गया ऐसा। जो रियल है, जो फीलिंग्स रियल है ना, जी वही रैप में आते हैं। सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जो कटाई हो रही है इसे रोका जाए। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात कर रहे हैं एपी राजा से। जो हमारे साथ स्क्रीन में दिख रहे हैं ये हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने रैपर एपी राजा। एपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो धन्यवाद अपने मैम। दर्शकों को बताना चाहूंगी, एपी जो है वो काफी अच्छा म्यूजिक कंपोज करते हैं, गाते हैं, यहाँ के काफी जाने माने अच्छे रैपर हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में इस वक्त इसलिए हैं क्योंकि हसदेव अरण्य जो सीधे आपकी और मेरी जिंदगी को प्रभावित करता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे एपी ने अपना एक रैप सॉन्ग लिखा है जो लोगों के बीच काफी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। हसदेव अपने आप में चर्चा का विषय है और उसके बाद जिस खूबसूरती से और जिस खूबसूरती के साथ मैं अगर ये कहूँ कि जिन शब्दों के साथ पिरोते हुए उन्होंने इस पूरे गाने को लिखा है, और इस जंगल के उजड़ने के बाद जो हमारी जिंदगी होगी, प्रकृति जो हमारे साथ करेगा, उसको बयां किया है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो एपी इस वक्त खुद हमारे साथ है तो उनसे बात करते हैं। एपी, गाना हम सबसे पहले एक बार आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या इसके बोल हैं, लिरिक्स हैं, किस तरीके से आपने इसको पिरोया है, एक बार हम सबसे पहले आपसे ये गाना सुनना चाहेंगे। अभी जो हसदेव 2.0 जो आया है, इससे पहले भी एक सेव हसदेव करके गाना निकाला था। लास्ट टाइम जब जंगल की कटाई शुरू हुई थी तब सेव हसदेव करके निकाला था। तो अभी जो मैंने इस पे गाने को बनाया है, इसमें प्रकृति की आवाज़ को सामने रखते हुए बनाया। तो पहली जो दो लाइन्स है वो कुछ इस टाइप से है, छत्तीसगढ़ी में है। मैं कोयला के बदला में कोयला नहीं छोड़ूं, या कोयला के लालच पे छोड़ दे, मैं जब बरसा हूँ कहर तबका होई तोला, अंदाजा नहीं है निकोर के। मैं कोयला के बदला में कोयला नहीं छोड़ूं, या कोयला के लालच पे छोड़ दे। तो ये प्रकृति की आवाज थी। इससे पहले जब बनाया था हसदेव जंगल, तो उस टाइम वो खुद कह रहा था कि भाई जो भी पर्यावरण को अगर हम अपमान करते हैं, जो हम मनुष्य हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे हमारे साथ। तो अभी फिर से जब कटाई शुरू हुई तो मैंने उसका 2.0 बनाते हुए यही रखा कि आप शायद आवाज को भूल गए हो, जो हसदेव की आवाज थी उसको भूल गए हो, दोबारा से समझो ये एक रिमाइंडर ड्राइव था। जी, तो हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का एक घना बहुत महत्वपूर्ण अरण्य है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो शायद हसदेव से परिचित नहीं है, लगभग सेंट्रल इंडिया के 4 से 5 स्टेट्स को ये अरण्य जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की जैव विविधता और कहीं देख पाना मुश्किल है। यहाँ पर कोयले के लिए खनन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जिसके लिए लगभग एक डिकेड से ज्यादा, एक डिकेड कम कह रही हूं मैं, उससे भी अधिक समय से हमारे प्रदेश के जो लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं ताकि यहाँ की जो खनन प्रक्रिया है उसको रोका जा सके। तो जैसा कि एपी बता रहे हैं कि इसके पहले भी एक बार जब कटाई शुरू हुई थी तब उन्होंने अपने शब्दों में इसको कहा था, और अब ये जो दूसरा गाना बनाया है उन्होंने, इसमें प्रकृति लोगों से क्या कहने जा रही है उस पर बात कर रहे हैं। हजारों से ज्यादा प्रजाति। जी सॉरी टू इंटरप्ट मैम, पहले सॉन्ग में हसदेव की खुद की आवाज थी, राइट। जी हसदेव जंगल खुद कुछ कह रहा था, और इस बार हाँ जो प्रकृति है उसकी आवाज। जी, तो बिल्कुल हसदेव जंगल जो है वो खुद कह रहा था, और अब पूरी प्रकृति की आवाज है, क्योंकि हसदेव अरण्य जो है वो जैव विविधता से भरपूर है। कितनी प्रजातियों के वहां पक्षी हैं, कितने प्रजाति के वहां वन्य जीव है, इसका अंदाजा तो आप और हम नहीं लगा सकते। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि वहां सफेद भालू जो है वो मिले हैं, वो भी काफी वायरल हुआ है, और पूरी जो पीड़ा है ये छत्तीसगढ़ अभी झेल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये जंगल कट जाता है तो आसपास के सभी झेलेंगे। तो वापस मैं अभी आपके पास आती हूँ और जानना चाहूंगी कि जब आप प्रकृति से जुड़े ऐसी चीजों के बारे में लिखते हैं तो पहली सोच क्या आती है आपकी? मैम पहली सोच बचपन से ही हमको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया यही जाता है कि भाई एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण, तो ये चीजें मतलब सोचने या बताने वाली तो रह ही नहीं जाती। आज की डेट में एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है कि बच्चा बच्चा जानता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस चीजों को आप सोचिए कि जो देश के मतलब जिनके हाथ में देश है, जो जिम्मेदार है, वही अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा। कह रहे हैं आपने इस पूरे गाने के दौरान कुछ छत्तीसगढ़ी शब्दों का भी उपयोग किया है, उसका क्या, कैसे आपने इन शब्दों को इस ढंग से पिरोया,
कैसे रहा वो पूरा सफर? बैठा था मैम, मन में आया कि चल क्या रहा है, तो जो कोयले के लिए सब कुछ हो रहा है, तो बस जी मैंने सिर्फ दो ही लाइन लिखी थी कि मैं कोयला के बदला में कोयला नहीं छोड़ूंगी, भाई जो ये कोयला है इसके बदले में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, प्रकृति कह रही, या कोयला के लालच से छोड़ दे, या तुम कोयला का लालच छोड़ दे, मैं जब बरसा हूं कहर तब का हो ही तो अंदाजा नहीं है निकोट, कि जब मेरा कहर बरसेगा, जब मतलब इसके जो उसका जो रेवेंज होगा, प्रकृति का जो रेवेंज होगा, बदला हो, तो वो जब प्रकृति का कहर बरसेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, जी ये बस कहना चाह रहे हैं। भविष्य तुम्हारा और मेरा सवाल, जल जंगल जमीन को बचाओ बेड़ा। बिल्कुल, जब प्रकृति अपनी कहर भर पाएगी तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन एपी, हमने देखा इस पूरे एल्बम में जब आपने ये जो पूरा गाना शूट किया है, इसमें कहीं कोविड का जिक्र हो रहा है, किस तरीके से प्रकृति जब अपने फॉर्म में जो मैंने हाँ जो सेव हसदेव जो फर्स्ट पार्ट था जी 2022 में, जब सेव हसदेव की कटाई हाँ शुरू हसदेव की कटाई शुरू हुई थी, तो सेव हसदेव हाँ जो गाना आया था, तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये जो 19-20-21 जो कोविड का दौर निकला, ये कहीं ना कहीं हमारे वजह से ही इफेक्ट हुआ है, जो हमसे मतलब जो नेचर है, जो मदर नेचर है, कहीं ना कहीं उसी का इफेक्ट है ये, तो उस चीज को भूलो मत, क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक ऐसी थी कि इंडिया में सबको याद होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, सभी को हुई थी, तो जी उस चीज को भूलो मत, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट है और जब इसका कहर बरसेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ये जो दोनों गानों को जोड़ के इस बार 2.0 मैंने लाया, तो जो कोविड का जिक्र था वो उस टाइम का था, उस टाइम हसदेव ने चेतावनी दी थी पर किसी से सुना नहीं, तो इस बार फिर से उसकी आवाज को रखा गया ऐसा। तो एपी, जब हम आपसे बात करेंगे कि आप हसदेव को कैसे देखते हैं, आप कितने बार गए हैं अभी तक उन जंगलों में? मैं हसदेव जंगल तो नहीं गया हूँ, बट सोशल मीडिया के थ्रू देखता रहता हूँ, वहाँ जो लोग पहुँच पा रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जंगल हो, चाहे जंगल हो, कहीं के भी जंगल हो, आज हसदेव जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ का, मेरा कहना ये है कि सबको इस चीज में जुड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा राज्य है, कल आपका भी हो सकता है, बस यही है मैम कि मेरा कहना यही है पूरी ऑडियंस से कि जो जिस तरीके से कर पा रहा है इस अभियान में, साथ दे हमारा। तो जब आप ऐसे शब्दों का चयन करते हैं एपी, आप इसके पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ी फोक में भी रहे हैं, साहित्यकारों के साथ भी आपने काम किया है, तो विशेष तौर पे हमने आपका ये जब गाना सुना तो इसमें प्रकृति का कहर अलग ही शब्दों के साथ आपने दिखाया है। तो जब इस तरीके के चयन शब्दों का करना होता है, तो क्या कुछ आपकी पूरी पूरा एक थॉट प्रोसेस हम जानना चाहेंगे, कैसे क्या सोचते हैं, किस ढंग से चीजों को निकालते हैं आप? थॉट प्रोसेस कुछ नहीं होता मैम, जो दिल में आता है लिख देते हैं। अच्छा, ये बड़ा बड़ा आसान है कि भाई हमारा दिल के शब्द ही, दिल के भाव ही हमारे शब्द हैं, ये बहुत अच्छा है जो रियल है, जो फीलिंग्स रियल है ना, जी वही रैप में आते हैं। रैप का एक्चुअल फुल फॉर्म जो होता है राइमिंग एंड पोइट्री, जी तो कविताएं ही हैं सब, तो कविता हाँ वही होती है जो सच्चाई होती है, उसी को लिखते हैं। जी अब जो गाने अगर कमर्शियल बनते हैं, कॉमेडी बनते हैं, तो वो कुछ स्टोरीज होती है जो हम खुद खुद मतलब कुछ लिख लेते हैं, खुद से कुछ जो देखे होते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, हाँ उससे लिख लेते हैं, हाँ बाकी अगर ऐसे मुद्दों पे बात आती है तो इसमें बस फीलिंग्स निकलती है। जी, तो क्या कहेंगे प्रदेशवासियों के साथ, देशवासियों के साथ क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में, क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा है हसदेव बचाने के लिए। हसदेव बचाने के लिए मैम हर कोई तो कोशिश कर रहा है, पर सरकार से ही अपील करूंगा मैं तो, ऑडियंस जो है वो तो सारे लगे हुए हैं कि हसदेव हमारा जंगल बच जाए, सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जो कटाई हो रही है इसे रोका जाए, क्योंकि जंगल हम सबके लिए है, इतना जरूरी है, सबको पता है। तो एपी, चलते चलते एक और बात, अभी आपकी कोई नई फिल्म भी आ रही है, तो लगे हाथ अपनी फिल्म के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। अभी छत्तीसगढ़ी मूवी आ रही है दूल्हा राजा, तो जी ये दहेज प्रथा है उसके खिलाफ एक मूवी है, और मतलब पारिवारिक मूवी है, पारिवारिक फिल्म है, तो इसमें कॉमेडी भी होगी और काफी अच्छी फिल्म है, तो इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने गाया है और मेरी पूरी टीम ने मिलके बनाया है, और जो मतलब इस गाने में रैप मैंने किया है, और दिलीप सारंगी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने सिंगर हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ दी गाने को, तो ये गाना आप लोग को 11th ऑफ जनवरी को यूट्यूब पे रिलीज हो जाएगा गाना, और ये पूरी जो मूवी है
ये 26 जनवरी के दिन सारे मतलब जितने सिनेमाज हैं वहां लग जाएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब हम हंसदेव जैसे विषय पर चर्चा करते हैं तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि हम उसकी संरक्षण की भी बात करें, हम हमारा क्या अपना पर्सनल व्यक्तिगत सोच है उस पे, क्या लगता है? कोयले को लेकर आपने गाना लिखा, जंगल को आपने लेकर गाना लिखा, तो इससे बहुत क्लियर है कि आप जंगल को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम अपना जीवन शैली कैसे बनाए कि हमको इन चीजों को उजाड़ने की नौबत ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हर कोई कॉरपोरेट सेक्टर में अटका हुआ है, हर किसी को विकास के नाम पर कॉन्क्रीटीकरण अपने आसपास चाहिए, बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, कैसे बचे इंसान खुद? आपका विकास एक के लिए विजन मैम क्या? तो नेचर नेचर से उतना लिया जाए जितनी जरूरत, विकास के नाम पे विनाश करना जो हो रहा है ये चीज हमको नहीं चाहिए, बस इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं मैम। तो बिल्कुल विकास उतना ही किया जाए जितनी जरूरत है, विकास के नाम पर विनाश ना किया जाए, ये कहना है एपी राजा का। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे एपी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोकमत हिंदी के प्लेटफॉर्म पर जुड़े और आपने अपनी जो भावनाएं हैं हंसदेव अरण्य को लेकर वो हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, जय जोहर, जय छत्र।